बच्चा नहा धोकर कितना सुंदर लग रहा है। नहीं मम्मी मैं दूसरी पहनूंगा। दूसरी कौन सी? ये पहनेगा? आज सफेद नहीं पहनी, आज यही पहननी है। ठीक है बल ठीक है, नाखून दिखा। ठीक है, और तू क्या कर रही है? जल्दी से बस्ता लगा इसका। दीदी मुझे देर हो रही है, जल्दी करो। माँ तू मुझे क्यों नहीं स्कूल जाने देती हो? तुझे 20 बार कह चुकी हूँ कि लड़कियां नहीं पढ़ती। मैं पढ़ी थी, तेरी बहन पढ़ी थी। घर का काम देख जो तेरे काम आएगा। तेरी सास को तेरा काम चाहिए, तेरी पढ़ाई नहीं। अब जा भाई को छोड़ के आ। मैं भी पढ़ूंगी। अरे तू पढ़ेगी तो घर का काम कौन देखेगा? सासू को काम चाहिए, जब देखो यही लिए बैठी रहती हो। छोरी सारा सारा दिन काम करती है, लेकिन तुम उसे जरा भी लाड़ प्यार नहीं कर सकती। चढ़ाओ चढ़ाओ उसे और सर पे चढ़ाओ। मैंने सूरत देखी थी उसकी, बेचारी रोनी सी सूरत लेकर गई थी। लो अजी उसे पराए घर जाना है। घर का काम काज नहीं सीखेगी तो मुझे उलाना मिलेगा। माँ ने कुछ सिखाया नहीं, आखिर सगी माँ हूँ उसकी, कोई सौतेली नहीं। हाँ आखिर भाग्यवान झगड़ा किस बात पर हो रहा था? अजी वही पुराना राग कि मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजती हो। आग लगाती है वो सुखो की बेटी, आजकल स्कूल जाने लगी है ना, और जाते जाते इसे भी भड़का जाती है। अरे भाग्यवान वो क्या उसे भड़काएगी, बच्ची है। अरे उसे जाता देखा तो उसका भी मन किया कि वो भी स्कूल चली जाए। अजी लड़की की जात है, पराए घर जाना है उसे, और आप कहते हो स्कूल भेज दूं। ना बाबा ना, मुझे नहीं पढ़ाना है। अरे बिट्टू को जाते देखा तो उसका भी मन। बस बस उसका मुकाबला मत करो। अरे वो तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, हमें उसकी कमाई खानी है। और बेटी, बेटियां तो पराया धन होती हैं। पालो पोसो, दुनिया भर का पैसा लगाओ और फिर एक दिन विदा कर दो। बस बस बहुत भाषण हो चुका, जा तू एक कप चाय बना। मैं आ गई बापू, अब मैं बनाती हूँ आपके लिए एक अच्छी सी चाय। देखा कितनी अच्छी है ये, कितना प्यार करती है हम दोनों को। आप बिल्कुल ठीक कहते हो, बेटियां तो होती ही हैं दुख सुख की साथी। पर मैं क्या करूं, मैं माँ जो हूँ इसकी। अरे माँ है तो इसे थोड़ा प्यार दुलार भी किया कर। मौसी क्या कर रही हो? बस कपड़े समेट रही थी, आओ बैठो। बस बस ये सुरेखा कहाँ है? वो तो बिट्टू को स्कूल से लेने गई है। क्यों? मुन्ना आलू के परोठे की जिद कर रहा था, सोचा शायद तुम्हारे पास मिल जाए। अच्छा ठीक है तुम बैठो, मैं देखती हूँ।
लो ये चार पांच पड़े थे, तुम्हारे परांठे तो बन ही जाएंगे। ये बस बस मेरा तो काम बन गया, ये पालक मिला कर परांठे बना दूंगी। अच्छा अब चलती। अरे आ गए आप, चिंता से दिमाग खराब हो रखा था। क्यों रात को क्यों नहीं आए? अरे भाग्यवान, बड़ी मुश्किल से बात बनी है। लड़के का बाप तो एकदम सीधा है, लेकिन हाँ माँ थोड़ी तेज है। चौधरी साथ गया था, उसका असर तो पड़ा होगा। हाँ क्यों नहीं, उसी असर से तो बात बनी है। और कोई बात हुई? हाँ सुरेखा की पोलियो की बात तो बस हम छिपा ही गए। अजी अब तो वो बिल्कुल ठीक चलती है, ज्यादा ध्यान से देखा जाए तो थोड़ी सी लचक लगती है। आखिर पता तो चलेगा ही, भगवान जाने क्या होगा। बस करो, ऐसी सुंदर लड़की पूरे गांव में नहीं मिलेगी। सो तो है, और घर के कामों में तो सुरेखा का जवाब नहीं। अरे लड़के का भी कोई जवाब नहीं, देखने में बहुत ही सुंदर है, इसीलिए मैं टीके में 20,000 रुपए तय कर आया हूँ। क्या कहा 20,000 रुपए? अरे इतने सारे रुपए आएंगे कहाँ से? तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। देख मैं बहुत थक गया हूँ, जा तू एक कप चाय बना ला। ठीक है, तब तक आप आराम करो, मैं चाय लेके आती हूँ। मत कर, आखिर तू एक लड़की की माँ है, आज तुझे ये सब कुछ तो देना ही पड़ेगा। और फिर तू ये क्यों नहीं सोचती कि कल लड़के की शादी में आएगा भी तो सही? क्यों? मैं ये थोड़ा सोच रही थी। तो फिर क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि ये दहेज का रिवाज कब खत्म होगा। देख ये रिवाज तो सदियों से चला आ रहा है, इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होगा। तो क्या आप इसके पक्ष में हैं? नहीं मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। तो फिर? मैं तो इसके विकृत रूप से दुखी हूँ। माँ बाप अपनी इच्छा से, शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से जो भी अपनी लड़की को दे सकते हैं वो दें। तो ठीक है, फिर सोचना क्या, अगर किस्मत में होगा तो जेवर फिर से बन जाएंगे। ये लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, हो सकता है रात को मुझे लौटने में देर हो जाए, तो चिंता मत करना। हाँ हे भगवान, हम गरीबों का तो बस तू ही है, जैसे तैसे बेटी का कार्य पूरा हो जाए बस। बेटियां पराया धन होती हैं, कल चली जाएगी, घर सूना हो जाएगा। दिल का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूँ। आप चिंता न करें, ये हमारे घर की लक्ष्मी है। अगर बेटी से कोई गलती हो जाए तो उसे बच्ची समझकर माफ कर दीजिएगा। अजी आप फिक्र न कीजिए, आपकी बेटी वहाँ कितना खुश रहेगी आप सोच नहीं सकते। अब से यही उम्मीद, हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है आप। बस बस रहने दे। बहुत बधाई हो माँ, बहू ने आते ही सेवा शुरू कर दी। हाँ बेटा, बस थोड़ी थकान थी इसलिए, बहू को देखने आ रही थी ना सब,
देखने वाली क्या कह रही थी माँ? बहू तो सुंदर ही बता रही थी पर। पर क्या माँ? अरे पर क्या माँ, बहू ही देखने थोड़ी ना आती है, ये भी तो देखती है ना कि दहेज में क्या लाई है। फिर तुमने क्या कहा माँ? मैं क्या कहती, कहने को क्या बचा है, अरे दिया ही क्या है जो मैं खाक दिखाती दहेज। कह देती दुल्हनी दहेज है और क्या। हाँ हाँ दुल्हनी दहेज है, अरे अभी जिम्मेदारी पड़ेगी, बच्चे होंगे, फिर पता चलेगा ना कि दहेज लेना भी पड़ता है और देना भी पड़ता है। बस माँ बस, फिर वही राग, मैं तो चलता हूँ। तुझे क्या, गांव वालों की तो हमें सुननी पड़ती है, सुंदरता ही थोड़ी देखनी है। क्या हुआ, आज मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्यों? देख कितने बज रहे हैं। बहुत सुंदर घड़ी है। अरे मैंने सुंदर नहीं, मैंने टाइम पूछा है कि अब कितने बज रहे हैं। मुझे घड़ी देखनी आती है क्या? क्या कहा, घड़ी देखनी नहीं आती? घड़ी तो क्या, मुझे तो कुछ भी पढ़ना नहीं आता है। अरे इसमें शर्म की क्या बात है, मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूंगा। सच? तुम मुझे पढ़ाओगे? क्यों नहीं, रात को पढ़ लिया करना और दिन में खाली समय में फिर। बस बस, दिन में मरने की तो फुर्सत है नहीं, पढ़ूंगी कब। ऐसा क्या काम रहता है दिन में? हाँ वो माँ की पड़ोसन, फिर तो कभी चाय कभी पकौड़ी, अच्छा दिन निकलता है तुम्हारा। रहने दो, सारा दिन वही दान दहेज की बातें, 5 साल हो गए हैं शादी को, फिर भी दिन में 3-4 बार तो माँ बापू को गालियाँ सुनने को मिल ही जाती हैं। गालियाँ? हाँ, यही कि मरो ने दिया क्या है, कमीनों ने ढंग का खाना तक नहीं खिलाया, मंगोले हमारे गले में पत्थर बांध दिया है। मैं तो बेकार का पत्थर हूं ना। अरे नहीं, अब देखना मैं इस पत्थर को कैसे हीरा बना दूंगा, मैं हूं ना। चुप। पाली है माने, देखती नहीं, सुई चुबा दी, अरे बाद में भी तो रख सकती थी। माँ जी, माँ जी वो क्या, घड़ी देखी है, 7 बज रहे हैं, मेरी भी चाय का समय हो गया है। मैं अभी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ माँ जी। बस बस रहने दे, जाके देख कौन आया दरवाजे पर। जी कौन? सुनिए, किशन का घर यही है क्या? जी हाँ, क्या काम है? वो कारखाने गए हैं। जी घर में कोई और? जी माँ जी हैं। और आप उनकी पत्नी हैं क्या? जी हाँ। जी किशन का एक्सीडेंट हो गया है। क्या हो गया है भैया उन्हें? आप समझने की कोशिश कीजिए, उनकी डेथ हो गई है। भैया वो कब आएंगे, रोज 5 बजे आ जाते हैं, आज अभी तक नहीं आए। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही, उनका ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया। क्या? है, उनकी लाश थाने में पड़ी है। आजी! कल मुही कहेगी खुद नहीं मरी, मेरे बेटे को खा गई। अरे अब तू रोती है, रोना तो हमें दे दिया भगवान ने, मैं मरी अब किसके सहारे जीऊंगी? माजी मैं क्या करूं? अरे 2 अक्षर पढ़ी होती ना तो तुझे नौकरी मिल जाती उसकी जगह पर, अनपढ़ मरती माँ बाप ने। माजी रहम करो माजी। देख मैं तेरा ये नाटक वाटक नहीं जानती, तेरी शक्ल से भी मुझे नफरत है। मैं तो पढ़ना चाहती थी। अरे मैं तो तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू यहाँ से कहीं चली जा, अगर तू नहीं गई ना तो मैं जान दे दूंगी। अरे तू कुलच्छनी है, तू कुलटा है, आते ही तो ससुर को खा गई, फिर मेरे बेटे को खा गई, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती।
तो बस यहाँ से कहीं चली जा। अरे सुरेखा, आज तुम्हारी सहेली गीता मिली थी, पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। वो कब आई ससुराल से? आज ही सुबह में मंदिर गई थी, वहीं मिली थी। क्या कह रही थी? अब तू सुबह से मिलेगी ना, पूछ लेना। दो दिन के लिए आई है, परसों चली जाएगी। ठीक है, मैं कल सुबह उससे मिल लूंगी। अभी तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है। अरे ये बिट्टू कहाँ है? उसका आज मैच था, खेलने गया है। अच्छा ठीक है। गीता, गीता है। अरे कहाँ खो गई थी, कब से चल रही हूँ तेरे पीछे पीछे। मरी तुझी को ढूंढ रही थी मैं, घर गई तो मौसी ने बताया कि खेतों में गई हुई है। अरे तुम तो एकदम आधी रह गई हो, ऐसी क्या हालत बना रखी है? गीता, उनके जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे सारी जिंदगी ही अंधेरी हो गई है। सास का मानना है कि मैं उनके लिए अपशगुन हूँ, अब तो लगता है मौत ही आखिरी सहारा है। जी चाहता है किसी कुएं या नदी में डूब मरूं और चैन की नींद सो जाऊं। ये तेरी सोच गलत है पगली। तू क्या समझती है कि मरकर शांति मिल जाएगी? नहीं, ये तो एकदम कायरता है। तब फिर क्या करूं? मैं कहती हूँ तू पढ़, अपने पैरों पर खड़ी हो, शिक्षा का उजाला तेरे सारे अंधेरे दूर कर देगा। मैं पढ़ना तो बहुत पहले से चाहती थी पर बस भूल जा पुरानी बातों को, आगे देखना सीख। बस पढ़ाई ही मनुष्य को सही दिशा देती है। तो क्या इस उम्र में मैं पढ़ सकती हूँ? सुरेखा, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा। तूने मेरे अंदर पढ़ने की चाह तो जगा दी, पर कोई रास्ता भी तो बताना। अरे गांव का प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, तेरी जैसी उम्र की ही महिलाएं पढ़ रही हैं उसमें। मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। जाऊंगी नहीं कहो, वहाँ पढ़ूंगी। पढ़ूंगी, जरूर पढ़ूंगी। अब सोचेगी मरने की बात? कभी नहीं। एक वायदा और करना होगा। कैसा वायदा? तुम कल से प्रौढ़ शिक्षा केंद्र तो जाओगी ही, पर उसके बाद शिक्षा सदन जाना मत भूलना। शिक्षा सदन, ये क्या है? अरे कैलाश बहन का शिक्षा सदन केवल स्कूल ही नहीं बल्कि महिलाओं को शिक्षित करने का एक मिशन है। न जाने कितनी बेसहारा महिलाओं को पढ़ा लिखा कर उसने टीचर बना दिया, नौकरियों पर लगा, अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। अभी अभी एक महिला वकील बनी है, उसी शिक्षा सदन की। अनपढ़ थी मेरी तरह और वकील हो गई। हाँ। अरे केवल वकील ही नहीं बल्कि कोर्ट में उसने अपने सास ससुर को जेल की सजा सुनवा दी, जिन्होंने दहेज की खातिर अनपढ़ कहकर उसे फेरों में रोते छोड़ा था। वाह, उसने तो कमाल कर दिया गीता, सच। अब मैं भी शिक्षा सदन जाऊंगी। अच्छा अब तुम सब मुझे बताओगी, ठीक है? बड़े आ से आम, ता से तकी, और माँ से मूली। नमस्ते। अरे सुरेखा तुम आ गई, चलो बैठो। जी। पा से और हा से हल। चलो ठीक है, अब सुरेखा तुम सब बताओगी, चलो बताओ। अब बड़े आ से आम, ता से तकती, माँ से मूली, हा से तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा? वाह सुरेखा, तुमने तो कमाल कर दिया। अगर तुम इसी तरह मेहनत करती रही तो एक दिन तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। जी दीदी। देखा आप सबने सुरेखा कितनी मेहनत करती है, उसी तरह आप लोग भी मेहनत करेंगे, ठीक है? शाबाश, चलो बैठो। Thank you.
देखो बहनों, कल हमें साक्षरता दिवस मनाना है और गांव गांव की बहनों को जगाना है। आप सब मेरे साथ हैं ना? तो सुनो, हम लोग पूरे गांव के चार हिस्से बना लेंगे। हम अलग अलग टोलियां बनाएंगे और पूरे गांव का चक्कर लगाएंगे। ठीक है? ठीक है। अब देखती ही रहोगी क्या, कुछ बोलोगी भी? वाह गीता वाह, कमाल कर दिया तूने तो। अरे कैसा कमाल? अरे उस दिन अखबार पढ़ा तो एक बार को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि तुम हो सकती हो। अरे चुनाव भी जीता तो निर्विरोध। तब सरपंच साहब कहूँ तुम्हें? क्यों नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं सुरेखा ही हूँ। पर ये बताओ, तुम जा कहाँ रही थी? तेरे ही प्रोग्राम में, सोचा तुम्हें भी यहाँ से लेती चलूं और स्कूल खोलने की बधाई भी दे दूं। नहीं गीता, असली बधाई की हकदार तो तुम ही हो। सच, तुमने मेरे मुर्दा दिल में जान डाल दी है। पता है, तुम मेरी प्रेरणा शक्ति हो। बस बस, बहुत मत चढ़ा मुझे, चल चलें, वहीं देना अपना भाषण जाकर। सच गीता, शिक्षा जीवन के अंधेरे को पूरी तरह से मिटा सकती है, आज मुझे ये एहसास हो गया है। चल चले। आदरणीय शिक्षा अधिकारी महोदय, सुरेखा बहन और गांव के सभी साथियों, हमारे गांव का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि सुरेखा हमारी बहन ही नहीं है बल्कि इस गांव की सरपंच भी है और उन्हीं के अथक प्रयासों से गांव में शिक्षा के मंदिर का शुभारंभ होने जा रहा है जिसमें गांव की सभी प्रौढ़ महिलाएं शिक्षा ग्रहण कर सकेंगी। मैं शिक्षा अधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि दो शब्द कहें और हमारे गांव का मार्गदर्शन करें। शिक्षा अधिकारी महोदय। आदरणीय प्रधान जी और यहां उपस्थित सभी बहनों भाइयों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके गांव में आज बहन सुरेखा के अथक प्रयासों और सतत परिश्रम से एक केंद्र यानी कि शिक्षा का मंदिर खुल गया है। आप सभी ग्रामवासी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके गांव में एक भी निरक्षर नहीं रहा। कितने सौभाग्य की बात है। काश आपके गांव की तरह मेरे देश के हर गांव में कोई भी निरक्षर ना रहे। और ऐसा होगा, विश्वास मानिए ऐसा होगा। और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन हमारा देश विश्व में अग्रणी होगा। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहन सुरेखा ने महिलाओं में एक नई चेतना जगाई है और चेतना से आप में सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। एक शिक्षित नारी, एक शिक्षित महिला अपने आने वाली संतान को एक अच्छे संस्कार दे सकती है, अच्छा सभ्य नागरिक बना सकती है। क्योंकि आपने सुना होगा कि माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। मुझे एक कथन याद आ रहा है, रुक्के पर अंगूठा टेक, 100 रुपए लिए उधार, ब्याज चुकाया वर्षों,
फिर भी पाए नहीं उतार। अशिक्षित व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है। अवंत में मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आपके साथ एक संकल्प दोहराना चाहता हूं कि पढ़ो पढ़ाओ देश जगाओ, पढ़ो पढ़ाओ देश जगाओ।